वेलकम टू माय चैनल मलिक ब्लॉगर टर्की। जी फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? अपने अपने घरों में, अपने अपने फैमिलीज के साथ। उम्मीद करता हूं सब खैर आफियत से होंगे इंशाल्लाह। थंबनेल और टाइटल आपने देखा, आज हम बात करेंगे टर्किश सिटीजनशिप के हवाले से। जैसा कि आपको पता है, डिफरेंट कंट्रीज में जो है इन्वेस्टमेंट बेस पे सिटीजनशिप मिलती है, सिमिलरली टर्की में भी ऐसे ही है। थोड़ा सा इसका जो है बैकग्राउंड में जाऊंगा कि पहले क्या पॉलिसी थी, अब क्या पॉलिसी है। अगर हम 2018 की बात करें तो 2018 में इन्वेस्टमेंट बेस पे जो सिटीजनशिप मिल रही थी वो $2,50,000 थी, $250,000, ठीक है जी। तो वो फिर जो है इंक्रीज हुई 2021 के एंड में आके वो $2,50,000 से पहुंची $4,00,000 पे। खैर बहरहाल, जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं, रियल इस्टेट वाले जो उनके एसोसिएशंस हैं, उन्होंने गवर्नमेंट के साथ बड़ी गुफ्तगुशनीद की, लेकिन उसका कोई हल नहीं निकला। तो गवर्नमेंट ने उसको इम्प्लीमेंट किया $4,00,000 पे जो सिटीजनशिप किसी को भी चाहिए। तो अभी पिछले दिनों किसी दोस्त का जो है एक मैसेज था कि भाई मैंने सुना है कि जो है सिटीजनशिप जो है वो तकरीबन जो है $1,00,000 पे मिल रही है। तो जो मैंने भी अपने दोस्तों से पूछा, कहीं आगे पीछे जितने भी सोर्सेज थे उनसे पूछा, लेकिन ऐसा कोई सिनेरियो नहीं था, सब रूमर्स थे, कोई ऐसी बात नहीं थी। हाँ, बल्कि ये था कि जो गवर्नमेंट जो है वो इस बात पर सोच रही थी कि आया ये जो $4,00,000 है इसको जो है इंक्रीज करना चाहिए या डिक्रीज करना चाहिए। जो मुख्तलिफ जो टर्की की जो रियल इस्टेट कंपनीज हैं, इनकी एसोसिएशंस जो हैं, उन्होंने गवर्नमेंट के साथ जो है अपना जो है निगोसिएशंस वगैरह की, लेकिन उसका कोई हल नहीं निकला। तो उसके बाद में ये हुआ कि जो टर्की की जो गवर्नमेंट है उसने अभी आज से 2 दिन पहले जो है जो $4,00,000 है उसको इंक्रीज करके $6,00,000 कर दिया। तो $6,00,000 जो है सिटीजनशिप लेने के लिए बिग अमाउंट है। मुझे नहीं लगता कि अभी जो है लोग जो इस तरफ का जो है वो आएंगे इस तरफ, क्योंकि अगर $6,00,000 में दे के उन्होंने अगर सिटीजनशिप लेनी है तो वाई नॉट किसी डेवलप्ड कंट्री में वो लोग जाए, जैसे यूरोप की तरफ। अगर यूरोप में आप देखें तो मुख्तलिफ जो है जो कंट्रीज हैं वो आपको $2,50,000 से $3,00,000 में जो है आपको सिटीजनशिप दे देती हैं। तो ये बिग इन्वेस्टमेंट है, मुझे नहीं लगता कि लोग अभी इस तरफ आएंगे, क्योंकि $6,00,000 इज़ नॉट अ जोक। तो ये थी अभी जो ये पॉलिसी है ये फर्स्ट जनवरी 2024 से इम्प्लीमेंट होगी। लेकिन उसके साथ ये भी बताता आपको चलूँ कि जो पहले लोग जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह ले चुके हैं, वो चाहे $1,00,000 की थी, $2,50,000 की थी या $3,00,000, जितने भी की थी, वो उसके ऊपर उसका कोई असर नहीं है। जो ले चुके वो पिछली पॉलिसी थी। लेकिन अभी जो 2024 में जो आएंगे इन्वेस्टमेंट बेस पे जो है टर्किश की सिटीजनशिप लेने के लिए, वो $6,00,000 की अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये थे मेरी छोटी सी अपडेट, मैंने कहा चले आपके साथ शेयर करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये आपको जो है छोटी सी वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आए तो इसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ शेयर करें और मुझे दें इजाज़त। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।